Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again. Hello people, this is Ranchi Rider. यार अभी टाइम हो रहा है 2:30 PM और आज का मौसम भी उतना ही ख़राब है जितना कल का था। रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई और भगवान की दया से अभी बारिश नहीं हो रही है, बट लक्षण सारे वही हैं कि होगी ये बारिश। तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस पहुँचने की। तो यार कल मेरे एक न्यू सब्सक्राइबर आए, पहले उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और उन्होंने मुझसे कहा है कि भाई अपनी NS200 पे एक शॉर्ट रिव्यू दो। यार मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि यार ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गया है मुझे यूट्यूब पे वीडियोस डालते डालते और 4 मंथ हो गया है मुझे बाइक लिए हुए। तो अभी तक मुझे इस बाइक से कितना क्या बोलूँ, उसे कितना प्लस पॉइंट इसका दिखा है, कितना माइनस पॉइंट है इसका, वो मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। बिकॉज इससे आप लोग एक आइडिया मिल जाएगा अपने हिसाब से कि NS200 आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और यार बहुत सही लगा मुझे उनका आइडिया, मुझे उनका नाम नहीं पता बट उनका कमेंट मैं अभी यहाँ पे डाल दूँगा, तो आप लोग देख लेना कि उन्होंने कमेंट किया था। और आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो यार बात करें अपना NS200 का, तो क्यों लिए, कैसे लिए, क्या स्टोरी था, वो हम अपना एक वीडियो में बता चुके हैं। और अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने NS200 क्यों लिए थे, उसका क्या रीज़न था, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो बात करें यार NS200 का रिव्यू का, तो यार लुक में तो हमको बहुत सही लगता है, ये लुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ स्टीयरिंग है तो बहुत सही है, कंट्रोल भी इसका बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले इसके बाद इसका प्लस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। प्लस पॉइंट इसका 2-3 है, जैसे कम दाम में एक अच्छा बाइक, अच्छा स्पोर्टी बाइक, आपको अच्छे लुक वाला एक बाइक आपको मिलता है। जब मैंने ली थी तो इसकी कीमत थी 1,08,000 रुपये और ओवरऑल मुझे गाड़ी रोड पर निकाल के 1,15,000 सारा कुछ लेके मुझे पड़ गया था इंश्योरेंस वगैरह। तो यार देखो RS आती है 200 1,40,000 की, वो उसका शोरूम प्राइस है। तो मुझे ये बाइक काफ़ी अच्छी लगी, हैंडलिंग जिसे पहले अगर आपने अपाची चलाई या कोई और बाइक चलाई तो उसके हिसाब से आपको हैंडल शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा बिकॉज इसका हैंडल हल्का बाहर निकला हुआ है, पर चलाते चलाते आपको बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लगने लगेगा। दूसरा बात, आप जब भी RS चलाओ या ड्यूक चलाओ या अपाची चलाओ तो उसमें हल्का आपको झुकना पड़ता है, उसमें आपको आपकी कमर के बल झुकना पड़ता है नीचे, और जिससे आपके कमर में दर्द होता है, आपके हाथों में आगे पाम में आपके बहुत ज़्यादा रेड रेड हो जाता है, दर्द होने लगता है उससे। बट NS200 में ऐसा कुछ नहीं है, NS200 में होता है जब आप काफ़ी तेज़ चला रहे हो और सडनली ब्रेक करो तो ज़ोर पड़ता है हैंडल में आपका, पर यार कमर दर्द और ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट मुझे लगा बिकॉज मैं RS भी चला चुका हूँ, KTM भी चलाया मैंने, RC और अपाची तो है ही मेरे घर में 160, तो इन तीनों में मुझे ये प्रॉब्लम मिलती थी। और इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है, इन हाथ के जो पाम में आपके दर्द होता है, तो उसके लिए आप एक ग्लव्स यूज़ कर सकते हो ऑल द टाइम जैसे मैं करता हूँ, तो इससे आपके पाम में बिल्कुल दर्द नहीं होता, एकदम माइनस थोड़ा सा होगा पर उतना तो नहीं है जितना होता है। तो ये यार इसका एक प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि 200 cc में काफ़ी अच्छी पिकअप है इसकी, और टॉप स्पीड तो मैं 140 ले गया हूँ अभी तक। और यार सबसे बड़ा तरीका है इसका माइलेज, माइलेज जो है इसका काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। और ऐसे अगर आप इसे शुरू शुरू में आपको देगी 38 से 40 का माइलेज देती है, मैंने टेस्ट किया था शुरू में, और अभी मुझे ये 32-33 की माइलेज दे रही है बिकॉज अभी मैं काफ़ी रैश ड्राइव करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो
तो इनको छोड़ने के बाद आगे की स्टोरी बताते हैं। आर्मी में है क्या भैया आप? देखने से ही लग रहा था। अच्छा कहाँ पे? हाँ, इधर ही आगे भैया, इधर ही आगे, इधर जाएगा, इधर की आगे, इधर नहीं, चलिए हम आगे से मुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं इधर से मुड़ दो, मैं उधर चले जाऊंगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, चलिए छोड़ दे रहे आपको क्या? अरे कोई दिक्कत, हम आगे से मुड़ जाएंगे ना, बैठ जाइए आप लोग हम लोग के लिए इतना करे, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग के लिए हम लोग। इधर इधर की इधर यहीं पे, हाँ इधर जाएंगे। वेलकम वेलकम, तो यार वो एक आर्मी वाले भैया थे, उनको जाना था अपना गाड़ी सर्विसिंग से लेने के लिए, और मैं एक्चुअली वहीं मुड़ता, बट मैंने उनसे पूछा कि आप किधर जाओगे, इधर या इधर, तो उन्होंने कहा कि मैं इधर जाऊंगा। तो एक्चुअली वो ये मेरा रूट नहीं है, बट यार अब आर्मी वाले इतना कुछ करते हैं हम लोगों के लिए, तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा प्राउड हमें भी फील होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम तो इतना सा तो कर ही सकते हैं यार, थोड़ा टाइम तो उनके लिए भी निकाल सकते हैं जब अपना पूरा लाइफ हमारे लिए निकाल देते हैं। तो दैट्स व्हाई जब मैं तो एक्चुअली मैं सबको लिफ्ट देता हूँ, चाहे वो बच्चा बूढ़ा जो भी हो, अगर मैं खाली हूँ मेरे पीछे कोई नहीं है तो मैं आराम से लिफ्ट दे देता हूँ, या कभी भी रोक देता हूँ गाड़ी किसी भी लेते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब मैं खाली नहीं रहता, थोड़ा जल्दी में रहता हूँ, तो कभी कभार, ऐसे तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने किसी को लिफ्ट नहीं दी। एक बार सिर्फ मेरे पीछे बैग था तो मैंने उसे लिफ्ट नहीं दी थी, बंदे ने मुझसे हेल्प मांगी थी, तो काफ़ी बुरा लगा था। बट वो तो यार कभी कर नहीं पड़ता, अब वो बैग के ऊपर बेचारा कहाँ बैठता। तो यार वापस आते हैं अपने रिव्यू पे, तो हम बता रहे थे आप लोग को माइलेज के बारे में। तो माइलेज शुरू में आपको ये गाड़ी देती है लगभग 38 to 40 जब ये गाड़ी न्यू रहती है आपकी। तो यार देखो सबसे बड़ा बात है माइलेज गाड़ी है, किसी भी गाड़ी का, कि आप जब भी गाड़ी न्यू लो ना तो फर्स्ट सर्विसिंग तक कभी भी 35 या 50, आई थिंक 40 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। तो जितना आराम से आप चलाओगे 30 से 40 के बीच चलाओ, 30 से 35 के बीच चलाओ, बात सही है। नया गाड़ी में सबको होता है कि भगाना भगाना, बट नहीं, अब उसको आराम से चलाओ। और एक बात और कि ये इतनी ही बात से उसे इतना रैश चलाओगे ना, उसकी माइलेज उतनी ही गिरती जाएगी। जैसे मैं अपनी अभी NS को इतना आराम से चलाऊँ, मैं तो कभी कभी रैश ड्राइव करता हूँ एक्चुअली, जब मैं जल्दी में रहता हूँ, बारिश वाली खाते तो मैं बहुत रैश ड्राइव कर लेता हूँ, या कभी कभी रेस हो जाती है, तो इसलिए मेरी माइलेज थोड़ी सी गिर गई है पहले से, और ये एक रीज़न है माइलेज का। तो माइलेज मुझे नहीं तो उतनी भी ख़राब है, 30-34 मेरे पास काफ़ी है, तो हाईवे पे तो 37-38 तो दे दी आराम से, तो मेरे लिए काफ़ी है। अब आप अपने हिसाब से देख लो आपको कैसी चाहिए। उसके बाद इसकी प्लस पॉइंट ये है कि जो गाड़ी की सर्विसिंग होती है उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता आपका। ऐसे जैसे मैंने अपाची कराई थी, फिर इसकी कराया तो उससे तो सस्ती पड़ी मुझे, इंजन ऑयल वगैरह सब इसका अच्छा ही आता है, सस्ता में ही आ जाता है। तो ओवरऑल गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, गाड़ी वाइब्रेट ज़्यादा नहीं करती है, कंट्रोल में रहती है गाड़ी, आप कितना भी स्पीड चला लो।
आपने मेरी वो टॉप स्पीड वाली वीडियो अगर आपने भी देखी जाती, मैंने 140 चलाई थी, गाड़ी हल्का सा ही वाइब्रेट नहीं कर रहा था, ना ही मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा था, ये नहीं कि इसका इधर उधर गाड़ी भाग रही है वहाँ से, एकदम नहीं, हिल तक नहीं रही थी। बात करते कुछ माइनस पॉइंट की, तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इसका मुझे लगता है इसका टायर। यार एक्चुअली मैं जानता हूँ कि मड में ऑलमोस्ट सबका टायर बेकार है, पर NS200 का टायर पूरा बेकार है। इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हमको यही लगा कि इसका टायर इतना घटिया टायर है इसका मड में, मतलब अगर अब आप ये बताओ मड में कोई 2-3 स्पीड से गिर सकता है क्या? मड में जब भी गाड़ी गई है 2-3 बार मेरी, यार एकदम नाक जैसा इधर उधर सांप जैसा होने लगता है, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, आपका 1% भी गाड़ी में कंट्रोल नहीं है आपका, आप इसे हैंडल ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है। मैं इसके लिए मैंने इसके शोरूम वालों को बोला था कि यार देखो तुम्हारा टायर, तो वो उन्होंने ही बोला कि मैं क्या कर सकते हैं, अब यही टायर इसमें डाला गया है तो ख़राब तो है, उन्हें ही पता है। तो ये एक प्रॉब्लम लगती है मुझे टायर की। बाकी ओवरऑल मुझे गाड़ी बहुत पसंद है और अच्छी भी है, और कुछ माइनस पॉइंट तो मुझे इसका दिखा नहीं। तो जो था भाई रिव्यू में, छोटा सा रिव्यू किया गया तो यही था, जितना मुझे पता था मेरी गाड़ी के बारे में उतना मैंने आप सबको बता दिया है। और मुझे मेरी गाड़ी से कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, बस वही एक प्रॉब्लम है मेरा टायर वाला, उसके अलावा गाड़ी मुझे बहुत पसंद है, रोड पे बहुत से ग्रिप है इसका टायर का, और बस इतना ही है। तो भाई अगर मतलब देखिए मुझे एग्जैक्ट पता नहीं होता कि आप लोग किस टाइप की वीडियोज़ देखनी है, मैं व्लॉग करता हूँ, मुझे व्लॉग में रोड पर जो भी दिखता है मैं आप लोग को शो कर देता हूँ, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके हिसाब से कोई वीडियो बनाना चाहता हूँ, कुछ और देखना है मेरी व्लॉग के कंटेंट में, कुछ और देखना है कि मैं कुछ बताऊँ, किसी बाइक पर राइड करूँ या किसी बाइक को रिव्यू करूँ, तो आप मुझे बताएं, अगर पॉसिबल होगा तो मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगेगा अगर आप लोग मुझे आइडिया दें कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए या इस पर सुधार करना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे जब लोग आते हैं कमेंट करते हैं भाई वीडियो अच्छा, तो मैंने पहले ही बोला कि कमेंट करें, आपके कमेंट से बहुत हौसला मिलता है, बहुत ज़्यादा और लगता है कि मैं और अच्छा करूं। और यार मुझे पता है कोई कमेंट नहीं करता ये बात, पर मुझे पता है कि मेरी थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम है, तो 110% श्योर हूँ कि इस मंथ के बाद मैं माइक लूँगा, बिकॉज मैं एक अच्छा और सही माइक लेने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार इससे पहले माइक लिया, एक 450 का था, वो बिल्कुल बेकार, तो अब की मैं सोच रहा हूँ एक अच्छा सा माइक लूँ, और वीडियो क्वालिटी मेरे हिसाब से मेरी सही होती है, 1080p पे अपलोड करता हूँ, तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे आप लोग। और यार हमारी फैमिली कल 300 सब्स की हो गई है, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और भाई लोग आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और उसके बाद प्रॉमिस मैं आप लोग को निराश नहीं करूँगा। तो यार अभी आ गए लालपुर चौक, और किस्मत अच्छा है मेरा आज के आ गया, ट्रैफिक नहीं है, ऑलरेडी ऑफिस के लिए बहुत लेट हो चुके हैं, 3 बजने वाला है, आज थोड़ा काम था हमको तो ज़्यादा ही लेट हो गया, ऐसे हम रोज़ थोड़ा लेट ही जाते हैं, बट आज तो ज़्यादा ही लेट हो गया है, बट कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं है, आज कल ही निपटा के आए थे सारा कुछ, एक आध दो काम है छोटा सा। तो जा रहे हैं ऑफिस, और अभी तक फ़िलहाल तो रिव्यू किए, पता नहीं आगे क्या देखने के लिए मिलेगा, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या देखते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जहाँ आके हम रोज़ लटकते हैं फिर से वहीं आकर लटक गए। अरे हाँ यार, काटा टोली में ही लटक गए, और कहाँ लटक सकते हैं, मतलब यहाँ से बंदा बिना रुके आप जा ही नहीं सकते। चलो अंकल निकाल लो, पता नहीं क्या, अगर रुकना पड़ेगा कभी कभी जल्दी खुल जाता है, वरना हमेशा तो लेट ही रुकना पड़ता है, अगर बहुत लेट तक। अब करना है इंतज़ार, चलाओ ब्रो, धीरे क्यों कर रहे हो, धीरे करते हो गंदे हो,
और ये खुल गया और चेतक निकल पड़ा है। चलो चेतक, तो यार हम तो पहुंचने वाले हैं वापस। बट यार आप लोग से एक बात हमको बोलना था। देखो यार मैक्सिमम टाइम में भी आप लोग हेल्प करते होगे, बट मैक्सिमम टाइम यही देखे कि कोई अगर कोई लिफ्ट मांग रहा है तो मैक्सिमम टाइम लोग उसे, मैक्सिमम लोग लिफ्ट देते ही नहीं। वो भले बेगारी में है, कोई नहीं है, पीछे उधर ही जा रहे हैं, बट वो लिफ्ट नहीं देते। क्यों यार? यार सारे लोग तो बुरे नहीं होते ना, और इन बुरे लोग जो लोग बुरे बंदे बकर में अच्छे लोगों को लिफ्ट नहीं मिलता। तो यार मैं बस यही कहूँगा, बाकी मर्जी आपकी कि आप हेल्प करें, ज़रूर करें। अगर कोई आर्मी है, पुलिस वाला है, कोई ज़रूरतमंद है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, कोई ओल्ड पर्सन है, तो उनकी हेल्प तो ज़रूर करें आप। बिकॉज क्या पता किसको क्या अर्जेंट और कहाँ जाना हो, शायद आपके वजह से वो आपकी वजह से किसी की जान बच जाए। तो यार मैसेज तो मैं कोई होता नहीं है बोलने वाला, बस मेरे मन में आया तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और मुझसे कहा गया था शॉर्ट रिव्यू देने के लिए, तो मैंने बहुत अच्छे से जितना मुझे पता था अपनी गाड़ी के बारे में मैंने सब बता दिया। तो यार उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट तो ज़रूर से करें यार कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोग भी मेरे ब्लॉग में कुछ अपने टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपके मन में है, आप चाहते हैं कि ऐसा कोई वीडियो आपको मिले मेरे चैनल पे, तो आप बोले। अगर आप चाहते किसी गाड़ी का मैं रिव्यू करूँ वगैरह, या मैं उसे ड्राइव करते हुए ब्लॉग करूँ, तो वो भी मुझे आप बोल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की इच्छा को पूरी करने की। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो अपने हिसाब से NS ले सके। और मैंने जितने कुछ कहा है सारा कुछ मैं सच कहा है, जितना मुझे पता था मैंने उतना ही कहा है। कुछ एक्स्ट्रा बड़ा चढ़ा के या कुछ जानने से भी गलत नहीं कहा है। तो यार ये मत सोचना कि मैंने बड़ा चढ़ा के बोल दिया। मेरी आपकी गाड़ी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दे रही हो, बट जितना मेरी दे रही है मैंने बता दिया। और अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को दबाओ ताकि तुम्हें मेरी वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, तुम सबसे पहले देख सको। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।